आप सबको स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं 21 जून के ईश्वरदान में। अनुभव एक ऐसी शक्ति है जो कि हमें जीवन में आगे बढ़ाती है, लेकिन हम ज्यादातर सोचते हैं कि अनुभव होना चाहिए हमारे जॉब के एरिया में या हमारे बिजनेस के एरिया में कि हमें कैसे क्या चीज बेचनी है, कैसे कैसे प्रॉफिट्स बनाने हैं। लेकिन परमात्मा यहाँ पर हमें कुछ और समझा रहे हैं। अनुभव मतलब कि कोई सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इंसान को कैसे हैंडल करना है, हर किसी को खुश रख करके आगे कैसे बढ़ना है, हर किसी को संतुष्ट रख करके और अपने आप को भी संतुष्ट करके आगे कैसे बढ़ना है। हम कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज, ये वहां पे ये बात नहीं हो रही है। जहां पर हमें फेस करना है हम फेस करते हैं, जहां पर हमें टॉलरेट करना है हम टॉलरेट करते हैं, और जहां पर हमें सच को सिद्ध करना है, परख करके शक्ति को निर्णय लेना है, वहां पर हम परख करके निर्णय लेते हैं। तो इसको कहा जाता है अनुभवी मूर्त। तो परमात्मा कहते हैं अनुभवों की संपन्नता द्वारा, मतलब कंप्लीट ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस, संपन्न है सारे अनुभवों द्वारा, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हुआ। परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी, उनके पास में सुप्रीम विजडम है, सुप्रीम साइकोलॉजिस्ट, सुप्रीम फिजिसिस्ट है वो। और परमात्मा हमें क्या बना रहे हैं, हमें भी विजडम देकर के सुप्रीम साइकोलॉजिस्ट बना रहे हैं। अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है, क्योंकि अनुभव होने के बाद में आप पता चलता है कि ये जो पैटर्न की चीजें जो हो रही हैं हमारे साथ में, इनका भी शायद से ये प्रॉब्लम होगा, इनके साथ भी यही सिचुएशन आ रही होगी, तो इनके इनको हम किस तरीके से टैकल करें, ये हमें अनुभव आ जाता है। इससे हम इंसान को खुश कर पाते हैं, इंसान के साथ में अच्छे से बात कर पाते हैं, इंसानों के साथ में रह पाते हैं और आगे जीवन में सफल हो पाते हैं। अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। हर गुण, अब गुणों में क्या क्या आ गया, नम्रता आ गई, पवित्रता आ गई, धैर्यता आ गई, अंतर्मुखता आ गई, सहनशीलता आ गई, ऐसे 36 गुण हैं, रॉयल्टी आ गई ना, ये सादगी आ गई, ये सारी चीजें क्या है, हमारे गुण है, इनको हमें एक्सपीरियंस करना है, यूज करना है इनको हर सिचुएशन में, हर इंसान के साथ। हर गुण, हर शक्ति, शक्ति में सहन शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, परखने की शक्ति, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या सच क्या झूठ है, सामना करने की शक्ति, इन सबको यूज करना है प्रैक्टिकल लाइफ में। ऐसे नहीं कि सिर्फ सुन लेना है मुरली में, उसका हमने यूज ही नहीं करना। हर ज्ञान के पॉइंट्स के अनुभवों में संपन्न बनो तो चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी, नहीं तो फिर क्या होगा, हम कंफ्यूज रहेंगे, उदास रहेंगे और हमें पता नहीं चला कि हमारे साथ में जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गुणों को सुना है सिर्फ, हमने शक्तियों के बारे में सिर्फ सुना है, लेकिन उनको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव नहीं किया है यूज करके। परमात्मा कहते हैं अभी नहीं यूज करोगे तो कब यूज करोगे, संस्कार कब बनाओगे आप ये अनुभवों का। अभी तक हमने बदला लिया, अब बदल के दिखाओ, अब स्नेह देकर के दिखाओ। ये जब स्नेह देने का अनुभव होगा, ये संस्कार लेकर के ही हम सत्युग में जाएंगे। तभी कहते हैं मनुष्य से देवता की एक किरत न लागी बार। परमात्मा हमें मनुष्य से देवता बनाने में हमें गुण शक्ति ज्ञान सब देते हैं, लेकिन क्या हम उसको यूज करते हैं। तो परमात्मा कलयुग के अंत में आकर के मनुष्य, साधारण मनुष्य जो पापी हो चुका है, उसको देवता बनाते हैं, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। तो कब बनाएंगे देवता, कलयुग के अंत में तो बनाएंगे, जब सारी सृष्टि में सारी आत्माएं एकदम भ्रष्ट हो जाएंगी, तभी तो मनुष्य से देवता किए किरत ना लागे वार, मतलब कि एक सेकंड भी लगता है परमात्मा को, लेकिन हम वो सेकंड को साल, 10 साल, 20 साल बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। परमात्मा कहते हैं अब सुनने सुनाने के साथ, अब जैसे मैं सुना रहा हूँ ये ज्ञान की बातें, सुनना और सुनाना के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। सिर्फ सुनना सुनाने नहीं है, ये जो गुण है, ये जो अनुभव है, ये जो वरदान है, इसका खुद भी एक्सपीरियंस करो। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे, जिनको अनुभव की अथॉरिटी, उनको फील होगा कि हाँ मैं कोई भी सिचुएशन आ जाए मैं हमेशा उसमें सही तरीके से परमात्मा के दिव्य डायरेक्शन श्रीमत के अनुसार उसको मैं पार करूंगा, आगे बढ़ूंगा। लेकिन जिनको अनुभव नहीं होता वो हिल जाता है, डगमगा होता है, क्या करें सिचुएशन, अरे इसको क्या करूं मैं। जैसे बीज भरपूर होता है, ऐसे ज्ञान गुण शक्तियां सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। तो हमारे अंदर ज्ञान भी है, ज्ञान तो हो, ज्ञान की पॉइंट्स, लेकिन उनको यूज करना हो, कि नाटक हो गया है, ड्रामा है, ड्रामा में नथिंग न्यू है, ये सारी चीजों को यूज करके हमारे अंदर सहन शक्ति, धैर्यता, ये सारी चीज को बढ़ाना है इनको, ज्ञान के पॉइंट्स को इस्तेमाल करके। यानी कि सिचुएशन आगे बाद में याद आ रहे, बाबा ने कहा था नथिंग न्यू, लोग हैं कलयुग में ऐसी सबकी हालत है, हमारी खुद की हालत ऐसी है, हमें अपने आप को धैर्यता से नम्रता से चलाना है। लास्ट में 1 घंटा बीत गया, अरे मैंने इतना गुस्सा क्यों कर दिया, मैंने इतना बुरा क्यों बोल दिया, तो ये तो बात नहीं बना। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने के लिए आता हूँ, तो तुम्हें 1 सेकंड में बना सकता हूँ, लेकिन तुम इतना समय लगा देते हो। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर हमें 100% श्योरिटी नहीं होती कि ये भगवान का ही ज्ञान है, कि परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं। अब कलयुग का जब अंत आ गया तो कौन ज्ञान देगा, यदा ही जब कहा गया कि जब धर्म का पूरा भ्रष्टाचार हो जाता है तब मैं आता हूँ, तो कौन आके समझाएगा ये सारी चीजें। ये कोई साधारण मनुष्य या साधारण गीता पाठशाला या साधारण सत्संग नहीं है,
या स्वयं परमात्मा ही सदगुरु है, टीचर है और पिता भी है। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे बीज भरपूर होता है ऐसे ज्ञान गुण शक्तियां समय भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं, परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी, और हमें वो क्या बना देते हैं, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, बच्चा। तो क्या आप ये बनना चाहेंगे? और अगर आपका उत्तर है हाँ, तो आप ब्रह्म कुमारी सुना करके 7 डे का कोर्स करिए और तपस्या करना शुरू करिए। ओम शांति।